सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाइज। सो प्लेयर गुड एंड फाइन से स्वागत है आप सभी का इस मेरे डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओजोनेसिस एम्फीबियंस। ठीक है, बेसिकली जो ओजोनेसिस एम्फीबियंस है नाम से आपको बुद्धि बना रहा है। बेसिकली हम पढ़ेंगे कि विटलोजेनेसिस, तो डिफरेंस क्या होगा विटलोजेनेसिस और ओजोनेसिस में। ठीक है, जो विटलोजेनेसिस क्या होगा, योक का फॉर्मेशन होना, किसी के भी एग के अंदर योक का फॉर्मेशन होना, उसे हम विटलोजेनेसिस कहेंगे उस प्रोसेस को। ऑन द अदर हैंड जो ओजेनेसिस है उसमें ओसाइट का फॉर्मेशन होना, जो फर्टाइल ओवा होता है उसका फॉर्मेशन, जर्म सेल हुआ उसका फॉर्मेशन होना। ठीक है, और विटलोजेनेसिस जो योक का फॉर्मेशन होना, तो ये दोनों डिफरेंस है आपके ओजेनेसिस और विटलोजेनेसिस में। तो आज के लेक्चर में हम विटलोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो विटलोजेनेसिस होता है वो तीन फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है प्री विटलोजेनेसिस, एक होता है विटलोजेनेसिस और एक होता है पोस्ट विटलोजेनेसिस। प्री का मतलब समझ में आ गई, जो विटलोजेनेसिस है योग बनने से पहले का फॉर्मेशन। ठीक है, पोस्ट मतलब योग जो बन गया उसके बाद कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री विटलोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो प्री विटलोजेनेसिस क्या बताता है, जैसे हमारे घर में खाना बनता है सबसे पहले क्या चेक करती है मम्मी, के जो खाना बन रहा है पनीर बन रहा है तो घर में पनीर के लिए सब्जी है कि नहीं है, तो सारी सब्जी है सारे मसाले है कि नहीं है। तो प्री विटलोजेनेसिस में यही होगा, जो मसाले हैं जो भी सामान है वो रेडी किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक होता है चेंजेस इन न्यूक्लियस, एक होता है चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस इन न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है, जो उसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो 100 times 700 times वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है, किस लिए इंक्रीज होता है बताओ बताओ, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, सिमिलरली जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल का साइज भी, न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो गया, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। और इस बढ़ते हुए न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस नहीं, इसको हम जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, इसका जो न्यूक्लियोय होता है वो भी डेवलप हो जाता है हाईली, मतलब उसका भी अच्छा खासा जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा क्या था, इसमें जो है आपको प्रेजेंस ऑफ इंफ्राजोम्स देखने को मिलते हैं। इंफ्राजोम्स क्या होते हैं, इंफ्राजोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कंटेन करके रखते हैं नॉन राइबोसोमल आरएनए। ये नॉन राइबोसोमल आरएनए क्यों कंटेन करके रखते हैं, क्यों इनका मन करता है, हाँ इनका मन करता है भाई, ये इसलिए कंटेन करके रखते हैं जो ये एमआरएनए है वो डिस्ट्रक्ट ना हो। इतनी सारी चीज़ों का फॉर्म हो रहा है, इतने सारे एंजाइम जो है काम कर रहे हैं आगे डेवलप होने के लिए, रोग योग का फॉर्मेशन करने के लिए, तो जो एमआरएनए है जो अभी यूज नहीं आएगा जो बाद में यूज होगा, तो वो आरएनए एमआरएनए है जो वो खत्म ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो उसको अपने अंदर रख लेते हैं। आ जा मैं तुझे बचा के रख लेता हूँ, जबकि सारा ये काम हो जाएगा जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं तेरे को भेज दूंगा बाहर। ठीक है, तो ये काम होता है इंफ्राजोम्स। तो क्रोमोसोम की जब बात करते हैं, तो क्रोमोसोम जो होता है इसका 4 strand होता है, मतलब जो दो क्रोमोसोम है वो आपस में अड़ोसी पड़ोसी बन के बैठे हुए होते हैं आराम से, एकदम मस्त चुगलियाँ कर रहे होते हैं एक दूसरे की। ठीक है, ये जो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है उसमें आपको बहुत सारे लूप देखने को मिलते हैं। ये लूप जो ऐसे ऐसे लूप जो बनाए, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, जो ऐसे ऐसे लूप बन रहा है इसी की वजह से ये जो लैम्ब ब्रश लूप देता है, और जब ये लैम्ब ब्रश लूप देता है तो इसको नाम भी दे दिया भाई लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम बनाए क्यों, इतने सारे जो फोल्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इतने सारे जो फोल्ड्स हैं लूप बने हुए इनका काम क्या, जैसे इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो सिमिलरली इसका भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो आपका आरएनए एमआरएनए सबका जो प्रोटीन की सिंथेसिस है इसके अंदर, इस जीन के अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हो रही है, बहुत तेज़ी में हो रही है, बहुत तेज़ी में इसकी जो जीन की सिंथेसिस है वो हो रही है। ठीक है, इससे जो भी आपका जीन का सिंथेसिस है वो तो स्पीड अप हो गया, साथ ही साथ क्या होता है, जो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन होती है, मतलब जीन की कॉपीज जो है वो जल्दी 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 बनती है। एक फोल्ड पे आपकी जो जीन मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलती है, जो एक फोल्ड आता है उसमें आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन देखने को मिलती है। एम्पलीफिकेशन मतलब क्या होगा, जीन की कॉपीज करना, जैसे आप अगर सपोज कर लीजिए आप एक जीन है, मैं आपकी 4-5 कॉपी कर दूँ तो क्या होगा, मैंने एम्पलीफाई कर दिया आपकी जो 4-5 कॉपी है उसको एम्पलीफाई कर दिया, आपका साइज इंक्रीज नहीं हुआ, आपका कंटेंट इंक्रीज नहीं हुआ, बट जो आपकी कॉपीज बन गए, तो इसी को हम कहते हैं जीन एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चेंजेस इन न्यूक्लियस। अब बात करते हैं चेंज इन साइटोप्लाज्म। तो चेंज इन साइटोप्लाज्म में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, बच्चों को पता है जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी में। ठीक है, जिसके जो सेल का साइज है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जो दूसरी चीज़ डेवलप होती है इसमें क्या होती है, इसमें जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड है वो फॉर्म होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं झुंड बना के, आ जा भाई आ जा, वो मीटिंग करने बैठते हैं। अब वो जहाँ मीटिंग करते हैं उधर ही खाते हैं, उधर ही पीते हैं, उधर ही रहने लगते हैं, उधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, मीटिंग जहाँ करने आते हैं। सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे इन सारे सेल के पास, हम तो इधर ही रहेंगे भाई अपने मजे में। ठीक है, तो सारे उधर ही रहने लगते हैं, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एग्रीगेट होके माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड है ये डिटरमाइन करता है वेजाइटल पोर के लोकेशन, कैसे करता है, जिस साइड आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बना उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड आपका वेजाइटल पोल होगा,
और जहाँ वेजिटल पोल होगा और माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड जहाँ होगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, एनिमल पोल होगा। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एनिमल पोल और वेजिटल पोल में, इन दोनों के डिफरेंस की। तो जो आपका एनिमल पोल है वो जो होता है, वही जो आपकी स्पर्म है उसकी जो प्रो न्यूक्लियस है उसकी एंट्री होती है, वहीं से आपका जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है आपके उस साइड के अंदर वो होता है, जो सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है वो वहीं से निकलती है आपकी, वहीं पे फॉर्म होती है एनिमल पोल के साइड और वहीं से निकलती है। जो आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो एनिमल पोल के साथ जो साथ जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, और ऑन द अदर हैंड जो वेजिटल पोल के साथ रहता है साइटोप्लाज्म वो बड़ा मतलब वैसा होता है यार, आलसी होता है, वो ज़्यादा काम धंधा नहीं करता, वो आलस की तरह पड़ा रहता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड मतलब एनिमल पोल के पास है वो हाईली एक्टिव होगा। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही अपना काम तो बेचारा करता ही करता है, मगर ये दो चार रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ले लेता है, क्लास का मॉनिटर बन जाता है, अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले जाता है, बच्चों से कॉपी वॉपी कलेक्ट करने लगता है ना। इसका काम क्या होता है, ये अपना काम तो परफॉर्म कर ही कर रहा है, करता ही करता है, फिर इसको इसकी मैम ने बोल दिया कि बेटा तुम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बना दोगे, तो इसने अच्छा बनने के लिए बोल दिया हाँ मैम मैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बना दूंगा। ठीक है, सर पे थे पेपर, अब ये चला गया कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाने। अगर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनेगा तो उसमें इंग्रेडिएंट्स भी तो लगेंगे, अब उसमें दो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक लगता है प्रोटीन और एक होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ये दोनों मिलके आपके जो है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाता है। अब बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सॉरी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जैसे इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा है ना। तो उसमें क्या होता है, जो भी ग्रैन्यूल्स है वो हट जाते हैं, उसके बाद जो एनुलेटेड फॉर्म ले लेते हैं, मतलब वो छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जैसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है वो ग्रैन्यूल्स हटके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख रहे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका जो है एनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये एंडोप्लाज्मिक का भी मॉडिफिकेशन होता है। और साथ ही साथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे आपको ऐसे प्रोलियोटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं, जैसे आपको एक्रोसोम में देखने को मिलते हैं ना, जेलीकोट वगैरह डाइजेस्ट करते हैं। सिमिलरली इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो किस चीज़ के में हेल्प करते हैं, जो आपका पॉलीस्पर्मी होता है उसको ब्लॉक करने में, उससे प्रिवेंट करने में आपका हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया प्री विटिलाइजेशन स्टेज, तो अब हम पढ़ेंगे विटिलाइजेशन स्टेज। अब प्री विटिलाइजेशन स्टेज क्या था, वो क्या किसकी तरह था, जो खाना बनता है उससे पहले हम मसाला मिर्च मसाला इकट्ठा कर लेते हैं ना, मम्मी की देखते हैं खाना बनने का सामान है कि नहीं घर पे, तो सारा सामान लाते हैं पहले, उसके बाद खाना बनता है। तो प्री विटिलाइजेशन जो मेन योग है, योग का फॉर्मेशन विटिलाइजेशन वो होगा। ठीक है, तो स्टेज में क्या होता है, जब मियोसिस वन चल रही होती है स्टेज में, मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन स्टेज होता है उसमें जो डिप्लोटीन फेज होता है, उस स्टेज में क्या होता है, जो योग है वो हाईली अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है उस साइड के अंदर आती है आके डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो आपका लैम ब्रश क्रोमोसोम होता है वो हाईली एक्टिव होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, देहधनादन बहुत बहुत तेजी में बहुत फास्ट जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है, वो आरएनए बना रहा होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, एमआरएनए फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस स्टेज में जब इतना सारा योग एक्यूमुलेट हो रहा था, ऑब्वियस बात है जो साइज है एग का वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा साइज जो है एकदम से इंक्रीज हो जाता है एग का। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले जो प्री विटिलाइजेशन बताया है उसमें बताया मैंने आपको जो एग है वो किससे बनता है, उसमें मेजर पोर्शन किसका होता है, विटिलाइजेशन का, विटिलाइजेशन प्रोटीन का। ठीक है, ये जो विटिलाइजेशन प्रोटीन है ये मैटरनल होता है, मतलब ये तो ये विटिलाइजेशन सिंथेसाइज होते हैं लीवर में, ना कि उस साइड में। अब भाई लीवर में सिंथेसाइज हो रहे तो ये आएगा कैसे, अब ये जाता है भाई लीवर लीवर के पास जाता है, बोलता है मुझे तो ओवरी में जाना है, ओवरी में जाना है मुझे तो उस साइड बनाना है, तो जो ये विटिलाइजेशन है लीवर इसको डाल देता है, ट्रांसफर कर देता है ब्लड में। अब ब्लड के साथ ये घूमता फिरता आता है आपके ओवरी के पास, अब ओवरी के पास आता हो गया, अब लेकिन इसको एंट्री कैसे मिलेगी, तो फिर ये ओवरी को कहता है फोन, भाई अब मुझे एंट्री दो, तो ओवरी आता है, उसके बाद ये जो ऐसे एंडोसाइटोसिस होता है ना आपका प्रोसेस, उसी की तरह माइक्रोपिनेटोसाइटोसिस करता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये आप यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं क्लियरली, ये आपका जो विटिलाइजेशन प्रोटीन है वो आके यहाँ पे बैठ गया, खड़ा हो गया, भाई मैं आ गया। उसके बाद क्या होता है, जो सेल होता है जो ओवरी का जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, इन्वेजिनेट होती है, मतलब अंदर की तरफ आ जाती है, जिससे इसकी जो आधी एंट्री है वेलकम तो हो जाता है इसका। वेलकम होने के बाद क्या होता है, गेट बंद कर देगा, भाई मेहमान तो अंदर आ गए, अब गेट बंद होगा, तो ये दोनों तरफ से ऐसे आके गेट को बंद कर देते हैं। जब ये गेट बंद होता है तो उसके बाद जो है ये पूरा उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और उसके बाद जो ये माइक्रोपिनेटोसाइटोसिस वो हो जाता है, विटिलाइजेशन अंदर आ गया, उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ योग है उसका प्रोसेस तेजी में चलने लगता है। अब थोड़ी बात करते हैं मैच्योर ओसाइट की, जब ये ओसाइट जो है मैच्योर हो जाता है तो ये कंटेन करके रखता है दो ऐसे प्रोटीन जो डिराइव होते हैं विटिलाइजेशन से। उन प्रोटीन का नाम जानना चाहते हो अब तो सुनो, एक प्रोटीन होता है लिपोप्रोटीन और एक होता है फॉस्फोविटिन। लिपोप्रोटीन नाम से समझ में आ रहा है लिपिड जैसा है ना, तो क्या कंटेन करके रखेगा, अपने अंदर लिपिड कंटेन करके रखता है। सिमिलरली जो फॉस्फोविटिन है वो कैसा लग रहा है, फॉस्फोरस है ना, तो ये जो है अपने अंदर फॉस्फोरस कंटेन करके रखता है।
तो ये दोनों जो लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड प्रोटीन होते हैं, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं योग के अंदर, योग प्लेटलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये तो वो मिठाई है जो मेहमान घर पे आते हैं तो वो मिठाई लेके आते हैं। जैसे विटलोजिन आया तो वो अपने ये दो अपने साथ ये दोनों प्रोटीन लेके आया, ठीक है। अब भाई घर में भी तो मम्मी मिठाइयाँ मंगा के रखती है ना मेहमान को नाश्ते में देने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली जो ओवरी होती है उसके पास भी तो अपनी प्रोटीन होती है, बहुत सारा नाश्ता होता है भाई, ठीक है। तो उसके प्रोटीन क्या कौन कौन से, जैसे उसके पास होता है लिपोकॉन्ड्रिया होता है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये सारे जो प्रोटीन है वो ओवरी अपने अंदर कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये लिपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लिपोकॉन्ड्रिया जो होता है टेम्प्रेरी स्टोरेज वॉक्यूल्स है जो गोल्गी अपैरेटस में बनता है, ठीक है। और ये कंटेन करके रखता है जैसे लिपिड और आपके सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये सारे जो है आयन्स, ये भी कंटेन करके रखता है। और साथ ही साथ जो होता है ये पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स, जो जैसे स्पेशली देखा गया है जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन ये प्रेजेंट होता है हमारे जो लिपोकॉन्ड्रिया उसके अंदर, ठीक है। और क्या कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अब जैसे जैसे हमारा जो विट्रोजेनेसिस स्टेज है, फेज है, वो एंड होता रहता है, उस टाइम पे क्या होता है जो एम्फीबियंस का ओवसाइट होता है वो बहुत सारे डिस्टिंक्ट रीजन को शो करता है, अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, सबसे पहले जो आउटर रीजन बनाते हैं कॉर्टेक्स बनाते हैं। कॉर्टेक्स किस चीज़ से बनाते हैं, इसमें जो आपका गोल्गी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया और पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये सारे जो पेरिफेरी एरिया में आ जाते हैं वहाँ पे अपने हम साथ साथ खेलने लगते हैं और फॉर्मेशन कर लेते हैं कॉर्टेक्स का, ठीक है। सिमिलरली जो है आपका जो इंटीरियर रीजन होता है वहाँ पे जो वेजाइटल एरिया होता है उसके पास बहुत सारा जो योग एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो कैसा होता है, एनिमल हेमिस्फीयर कहता है यार मेरे को देखो बहुत सारा काम करना है, एक योग से ना मुझे हो रही है चिपचिप सा लग रहा है, मुझे बहुत सारा स्टिकी नाक से लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत सारा काम करना है तो इस योग को ना मेरे पास से हटाओ। तो वेजाइटल पोल तो कोई काम करता नहीं खास ज़्यादा, वो तो बहुत सुस्त आदमी है, तो जो सारा योग है, योग का कंटेंट जो होता है वो वेजाइटल एरिया में चला गया, वेजाइटल हेमिस्फीयर में, ठीक है। एनिमल हेमिस्फीयर क्या करता है, यार ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं दे रहा, मुझे कुछ तो दो चीयर अप करने वाला, मैं इतना काम कर रहा हूँ, कोई तो मुझे पीछे से चीयर अप करेगा तभी तो मुझे मजा आएगा काम करने में। तो जो एनिमल पोल के पास जो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, साफ सुथरा साइटोप्लाज्म, क्लियर साइटोप्लाज्म वो एनिमल पोल के पास भेज देते हैं, और साथ ही साथ उस साइटोप्लाज्म में आपके जो कॉर्टिकल ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स, लिपोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं हमारे एनिमल हेमिस्फीयर के साथ। ये सारे के जो प्रोटीन के सिंथेसिस है वो हाईली एक्टिवली करते हैं, इसलिए जो है ये सारे एनिमल हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे क्लियर साइटोप्लाज्म रहता है। तो यहाँ तक तो हमने कर ली विट्रोजेनेसिस की बात, अब बात करते हैं पोस्ट विटैलोजेनेसिस की, ठीक है। जो पोस्ट विटैलोजेनेसिस है इसे हम फाइनल मैच्योरेशन फेज कहते हैं, इसमें जो ऊसाइट है वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। जो मैच्योरेशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे मियोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर, आपका CDK विच इज द साइलेंट डिपेंडेंट काइनेज, ये सारे जो एंजाइम्स हैं, सारे जो सिक्रेटरी फैक्टर्स है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेज में बेसिकली मोटा मोटा हम पढ़ लेते हैं होता क्या है। इसमें जो आपका जो फर्स्ट मियोटिक फेज में जो भी आपका जो प्रोफेज वन में जो ओजेनेसिस रुक गया था, मियोटिक फेज रुक गया था, वो कंप्लीट हो जाता है। उसका कंप्लीट होने से क्या निकलता है, जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। जो ब्रेकडाउन होता है जर्मिनल वेसिकल्स का वो हो जाता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पोस्ट विट्रोजेनेसिस के बारे में। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू।